चाहता है कि तुम्हारे इस धर्म युद्ध में हम तुम्हारा साथ दें। बस इतना याद रखना कि कहीं इस सच और फरेब की लड़ाई में कोई बेगुनाह मारा ना जाए। मैं हमेशा आपके साथ आपकी बॉडीगार्ड बन के तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें महाजन का हाथ। मैडम सर के बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि हसीना मलिक वापस कब दिखाई देंगी, लेकिन अब हसीना मलिक आ चुकी हैं, वो भी सीरियल वंशज में। हमें तुमसे कुछ बात करना है। इस तस्वीर के कुछ पहलू है जो तुम्हें बता सकते दो मैं हम अकेले बात कर सकते हैं। दरअसल सीक्वेंस कुछ ऐसा है जिसमें युविका हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, और युविका के साथ जो भी हुआ है वो अब पुलिस मैटर बन चुका है। मैं हमेशा आपके साथ आपकी बॉडीगार्ड बन के सिचुएशन में हमारा साथ युविका हमें तुमसे कुछ बात करना है। इस तस्वीर के कुछ पहलू है जो तुम्हें बता सकते दो मैं हम अकेले बात कर सकते मैं आपके लिए कॉपी भी कर क्या बात है युविका महाजन, अभी तो हमने कोई सवाल भी नहीं। हसीना मलिक यानी कि गुलकी जोशी पूरी बातें निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन युविका उन्हें कुछ भी नहीं बता रही। वाला चाहता है कि तुम्हारे इस धर्म युद्ध में हम तुम्हारा साथ दें, तुम्हारे सारथी बनें। और अगर तुम भी यही चाहती हो युविका, अगर तुम हम पर भरोसा करती हो तो प्लीज सच बताओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बस इतना सोच लो कि कहीं उस ठीक है तुम्हारी मर्जी इतना सोच लो कि इस सच और फरेब की लड़ाई में कोई बेगुनाह मारा ना जाए और किसी निर्दोष को सजा ना। युविका को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है और वो अपने पापा के खिलाफ नहीं जाना चाहती है। जानती हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ हुआ उसमें महाजन का हाथ, इसलिए ये सरनेम कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। और तुम्हारे पापा की फीलिंग्स में क्या? उनके साथ जो हुआ था नहीं चाहती उन्हें जस्टिस मिले। मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है उसका पर्दाफाश है। और जो तुम पर दो बार जाते हुए हमला कर चुका है तुम नहीं चाहती कि वो गुनहगार पकड़ा जाए। शायद यही बात समझते हुए और यही सच्चाई जानते हुए मेरे पापा सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से ऋषिकेश चले गए थे। और अगर मैं उसी सच्चाई को बाहर निकालूंगी तो ये तो खुद पापा के खिलाफ जाना होगा। गुनाह की फितरत दिखो, कल तुम्हारे पापा थे आज तुम हो, क्या पता कल तुम्हारी माँ और भाई बहन। मैं अपने परिवार को खोने के बारे में ना सोच भी नहीं सकती हूँ। इस सीक्वेंस के बारे में आगे जानते हैं खुद युविका से। मतलब बिकॉज अभी ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ एंड आई हैवंट स्टिल रिकवर्ड, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि एक पुलिस मैटर अब बन चुका है तो वो मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन युविका के साथ जितनी भी चीज़ें हुई है ना वो उसे नहीं पता कि वो किस पे अब ट्रस्ट कर सकती है किस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती है और क्यों मेरे पापा ने ये बात छुपाई थी अगर उनको ये चीज़ इस चीज़ के बारे में पता था। सो ऑब्वियसली मेरे इनहिबिशंस हैं अभी उनसे बिल्कुल खुलकर बात करने में, लेकिन विद टाइम आप देखेंगे कि मे बी आई विल ओपन अप टू हर और हम लोग साथ में भी इन्वेस्टिगेट करेंगे बिकॉज जानना तो है कि इवेंचुअली इस सब के पीछे है कौन। एंड अभी भी जो हम सीन कर रहे थे वो मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई कर रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक अभी फ़िलहाल लेके रखा है। बट यू विल सी इन द कमिंग एपिसोड्स कि मैं होपफुली उनके साथ सब शेयर करूँगी एंड यू गाइज विल नो कि आगे कहाँ जा रहा है। एब्सोल्युटली आई सेड मोर ड्रामा मोर सस्पेंस मोर इन्वेस्टिगेशन, जो ऑडियंस रोज़ देखती रहती है ना कि ओ माई गॉड अब इसने ये कर दिया
ये तो हो ही नहीं सकता था. सो यही होने वाला है. कभी कभी तो मैं खुद शॉक हो जाती हूँ कि अच्छा ऐसा हो रहा है अभी. सो इमेजिन फॉर द ऑडियंस इज गोइंग टू बी लाइक डैम इंटरेस्टिंग.